नगर निगम की कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही से नगर निगम में रखे गए जाति आधारित जनगणना का दस्तावेज बारिश के पानी से भीग गया है। सम्राट भवन में रखे गए जाति आधारित गणना के दस्तावेज बारिश के पानी से भीगा और राहत की बात ये रही कि सारे गणना के दस्तावेज ऑनलाइन कंप्यूटर में दर्ज थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है, जिसको लेकर अब तैयारी जोर शोर से की जा रही है और पुरानी फाइलों को भी निकाला जा रहा है। लेकिन गया नगर निगम की कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही भी सामने देखने को मिली है। नगर निगम के सम्राट भवन में रखे गए जाति आधारित जनगणना का दस्तावेज वर्षा के पानी से भीग गया, जिसे सुखाया जा रहा है। नगर निगम के 53 वार्डों का लगभग 1048 ईबी किट रखे गए थे, जिसमें से 30 से 35 ईबी किट बारिश के पानी से भीग गए, जिसे वहीं पर आकर सुखाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सलाह के बाद से जातीय जनगणना शुरू हुई थी, जिसके बाद ये बातें फंसने लगी। तमाम विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठाने लगे कि सरकार की कोई राइट नहीं है कि वो जातीय जनगणना कराए, इससे लोगों में उन्माद फैलेगा, भेदभाव की स्थिति बनेगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर तमाम केस जो है वो कहीं ना कहीं किए गए थे हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में, जो है वो कहीं ना कहीं केस जो है वो किया गया था। आपको बता दें कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, यहाँ तक कि बिहार सरकार ने केंद्र से भी जातीय जनगणना कराने की मदद मांगी, लेकिन केंद्र के तरफ से ये प्रस्ताव को नहीं माना गया और केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जातीय जनगणना अपने स्तर से अपने राज्य में करा सकती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं केंद्र को प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो ना मिलने के बाद खुद से ही जातीय जनगणना कराना शुरू की, तो इसका जो केस है वो उस पर हो गया। तो कहीं ना कहीं बता कि नीतीश कुमार ने पूरे अपने स्तर से जातीय जनगणना कराना शुरू किया। 5 करोड़ रुपए जातीय जनगणना में खर्च किए गए थे, जिसके ऊपर केस हो गया। केस सुप्रीम कोर्ट तक नीतीश सरकार गई ताकि ये जो गणना का जो आधा काम जो था वो पूरा हो गया था, ताकि ये जो जातीय जनगणना है वो पूरी तरीके से पूरी हो जाए। आपको बता दिए कि कहीं ना कहीं केस के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जीत हासिल हो गई है। जी हाँ, बता दें कि हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना कराने का जो फैसला है वो सुना दिया है। तो अब कहीं ना कहीं जातीय जनगणना फिर से बिहार में शुरू हो जाएगी। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण का जो काम है वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरा करने की जो बात है वो की जा रही है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। तो वहीं गया नगर निगम के जो भी जातीय जनगणना के पेपर थे, दस्तावेज थे, वो रखे गए थे, तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जितने भी दस्तावेज और पेपर थे वो बारिश के पानी से भीग गए हैं। खैर कहे कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल थे वो कंप्यूटर में दर्ज थे। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।